हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में खास यह है, आइए आपको दिखाता हूं, क्योंकि एक हमारे व्यूअर हैं जिनका कमेंट मेरे पास आया हुआ है और कमेंट में उनका ये कहना है कि आप मुझे क्या ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। मैं आपको वो पूरा ही सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिखाऊंगा और अगर आपको वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी मैं अभी दे देता हूं आपको, उसी पे ईमेल कर दीजिएगा तो फिर मैं आपको रिप्लाई में वो सॉफ्टवेयर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये बनाना बड़ा आसान है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। तो यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ले लेते हैं और यहाँ से आपको क्या करना है, डेटाबेस का चाहे तो नाम चेंज कर दीजिए, एक्सटेंशन आपको दिख ही रहा है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये सिनेरियो बड़ा कॉमन है, इस तरह का सिनेरियो आ जाता है और यहाँ से जाएंगे हम कहाँ, डिजाइन व्यू पर। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद हम इसे रिजल्ट शीट के नाम से सेव कर लेते हैं, रिजल्ट शीट। तो ये रिजल्ट शीट के नाम से सेव किया। अब यहां पर देखिए, यहां पर आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं, रोल अंडरस्कोर करके लिखेंगे रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर। अब यहाँ पे ऑटो नंबर दे रहा है, आप चाहे तो इसको नंबर बना सकते हैं, नंबर बनाएंगे तो अपने हिसाब से नंबर सेट कर सकते हैं। अब यहां पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट भी लिख दिया हमने, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी हो गया। यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप रख दिया हमने और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे अलग अलग सब्जेक्ट का नाम, जैसे कंप्यूटर दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर देंगे इंग्लिश देंगे, फिर यहाँ पे देंगे लाइक मैथ्स कर देते हैं, MATHS मैथ्स हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे कर देते हैं साइंस, SCIENCE साइंस हो गया, और साइंस करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं लाइक लास्ट जो सब्जेक्ट है हमारे पास उसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, STORY, ये हो गया हिस्ट्री। तो ये कुल मिला के हमारे पास पांच सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। आप चाहे तो छठा सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं और भी, तो चलिए पांच ही रखते हैं, पांच सफिशियंट है। तो यहाँ पे इसे नंबर डेटा टाइप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2007 है और ज्यादातर लोगों के पास यही है, तो इस बार मैं इसी पे बता रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा क्वेरी बनाने का झंझट है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल भी पता करना है इनका और साथ ही साथ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज भी, ठीक है। तो इतनी चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूं, इससे आप पूरा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, बस इसको फॉलो कीजिएगा, एक एक स्टेप फॉलो कीजिए और गारंटी दे रहा हूं कि सॉफ्टवेयर बन जाएगा आपका, ठीक है। यहां से गए, यहां से व्यू पे क्लिक किया, आप चाहे तो ग्रेड भी लेके आ सकते हैं नीचे, लेकिन चलिए फिलहाल ग्रेड छोड़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर टाइटल्स आपको दिख ही रहे हैं, सारी चीजें दिख रही हैं। अब मान लीजिए रोल नंबर 1 की बात हो रही है, ठीक है, अब मान लीजिए जो भी क्लास हो, क्लास 12th हो, 10th हो, जिसका भी आप रिजल्ट बना रहे हो, और रोल नंबर 1 वाले स्टूडेंट का नाम है राम कुमार, ये राम कुमार लिख दिया और यहाँ पे कंप्यूटर में आउट ऑफ 100 में दे रहा हूँ, ठीक है, आपको जितना करना है उतना कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में आउट ऑफ 100, कंप्यूटर में 70 रहा, 78 रहा मैथ्स में, 77 रहा यहाँ पे मैथ्स में, इंग्लिश में 78 हो गया और 56 कर दिया साइंस में और 79 कर दिया यहाँ पे हिस्ट्री में। तो टोटल और एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रोल नंबर 2 जो है उनका नाम है सुशील, तो ये लिख दिया सुशील, ठीक है, और सुशील का जो है यहाँ पे आया 45, 55, 43, 66 और यहाँ पे कर देते हैं 78, तो ये हो गया सुशील का मार्क्स। अभी हमको टोटल और ये कैलकुलेट करना है एवरेज, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले इसको सेव करके और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद एक क्वेरी बनाएंगे, चलिए क्वेरी कैसे बनाएंगे, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, ये आ गया क्वेरी डिजाइन पर, और जैसे ही हम क्वेरी डिजाइन पे आते हैं तो यहाँ पे इसे ऐड कराना, ये जो टेबल दिख रही है यहाँ से ऐड करा लीजिए, ठीक है, फिलहाल एक ही टेबल है और इस पर डबल क्लिक करके इन सबको ड्रैग करके यहाँ लिख आइएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्या, टोटल, तो टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ जूम व्यू पे इसे ले लेते हैं, ठीक है, जूम व्यू पे ले लूंगा तो थोड़ा आपको देखने में सुविधा होगी, आसानी होगी, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे कॉलन लगा दीजिए और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, पहला सब्जेक्ट कौन सा है उसी को हमें लेना है, तो पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो ये हो गया कंप्यूटर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का निशान लगाएंगे। इंग्लिश दूसरा सब्जेक्ट है, ENGLISH इंग्लिश हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे, और मैथ्स तीसरा सब्जेक्ट है, MATHS मैथ्स हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे साइंस तीसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे SCIENCE साइंस तीसरा सब्जेक्ट है, प्लस का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हिस्ट्री, हिस्ट्री चौथा सब्जेक्ट है, STORY कर देंगे हिस्ट्री, तो ये हो गया चौथा सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक है। चार ही सब्जेक्ट हुए क्या, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया, पांचों सब्जेक्ट हो गए हमारे पास। अब एवरेज को देख लेंगे जरा, तो यहाँ से ओके करके एवरेज पे थोड़ा आ जाते हैं, एवरेज को देख लेते हैं, एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए टोटल के बेस पे एवरेज कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे टोटल,
कितने सब्जेक्ट है उतने से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा आसानी से। तो कुल मिला के कितने सब्जेक्ट है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से इसे डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है इसलिए 5 से डिवाइड करना, ठीक है। ये हो गया, आप यहां से रन करवा दीजिए तो आप देखेंगे कि इनका टोटल होता आ रहा है। अब यहां पर मान लीजिए रोल नंबर 3 है, तो रोल नंबर 3 किसका है, रोल नंबर 3 है अर्पिता, यहां नाम लिख देता हूं, और यहां पे मार्क्स है क्या, 67 78 89 44, ये मार्क्स है इनके, ठीक है। तो ये सारे मार्क्स, अब देखिए टोटल और एवरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा ये, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। चौथा यहाँ संजना लिख देते हैं एक और नाम, और यहाँ पर करते हैं 55 56, यहाँ पे 57 56, इस तरीके से करके मार्क्स यहाँ पे स्टोर करा दिया। तो यहाँ देखिए सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से सेव करके क्वेरी को सेव करना होगा, तो यहाँ पर मैं रिजल्ट क्यू के नाम से सेव करता हूँ, रिजल्ट क्वेरी, तो रिजल्ट क्यू के नाम से सेव कर दिया। अब ये तो सेव कर दिया हमने, अब हमको एक फॉर्म बनाना होगा, ठीक है। तो फॉर्म बनाएंगे तो किस तरीके से, तो यहाँ से अभी हम क्रिएट पे जाएंगे और यहां से फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां से मोर फॉर्म पे जाएंगे और फॉर्म विजर्ड से चलेंगे, तो विजर्ड में हमें ये क्वेरी नजर आएगी रिजल्ट क्यू, तो इसी क्वेरी के बेस पे हमें ये फॉर्म बनाना है। तो ये पूरा क्वेरी लेकर के आप चाहे तो टेबुलर ले सकते हैं, आप चाहे तो कॉलमर ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए टेबुलर ले लेते हैं, या फिर जस्टिफाइड भी कर सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई एक स्टाइल चूज कर लीजिएगा, ठीक है, और चूज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करके और फिर मॉडिफाई पे जाके फिनिश कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ही आएगा। अभी हमको क्या करना है, ऐड एग्जिस्टिंग पे जाना है और इन सारे फील्ड्स को लेके आना होगा, ठीक है, जो भी आपके फील्ड्स हैं उन सारे फील्ड्स को लेके आना होगा। तो यहाँ से जा सकते हैं आप, ये रोल नंबर हो गया, ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अब इनको थोड़ा सेटिंग करना होगा ताकि ये प्रॉपर वे में यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, यहाँ छोटा बड़ा करके आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये इस तरीके से हो जाएगा, और बाकी इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ से जाके, ये हो गया। अब ये कंप्यूटर है, अब यहाँ लाइन से आएगा सब, ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे इधर की तरफ। अब ये देखिए, ये इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश आएगा, ये मैथ्स है तो यहाँ पे मैथ्स आएगा, और ये साइंस है तो यहाँ पे साइंस आएगा। तो सारा एक एक सब्जेक्ट जो है और उसका टोटल मार्क्स भी जो है सारा कुछ यहाँ पे हमें लेके आना है, ठीक है। तो टोटल हो गया, टोटल को भी लेके आए, एवरेज को भी लेके आए, ये तमाम चीजें हम लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हम एक कॉम्बो बॉक्स भी डिजाइन करना चाहते हैं, तो इन सबको सेलेक्ट करके एक काम करना है, एक साथ नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ एक कॉम्बो डिजाइन करेंगे, तो यही हमारा कॉम्बो बॉक्स है। यहाँ पे जाएंगे ना आप और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे कॉम्बो भी एक डिजाइन हो जाएगा, ये इस तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पे पॉइंट थर्ड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और रोल नंबर के बेस पे हम सर्च करेंगे जो भी सर्च करना है, और यहाँ से नेक्स्ट करके, और यहाँ रोल नंबर 1 आ रहा है, इसको हटा दीजिएगा, 1 नहीं रहेगा, खाली रोल नंबर रहेगा, तो ये रोल नंबर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड भी चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ से बैकग्राउंड ये ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, तो हम एक बैकग्राउंड ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और इन सारे डेटास को सेलेक्ट करके इसका कलर हम थोड़ा ब्लैक कर देंगे, थोड़ा सा डार्क दिखेगा हमें, और इसे बोल्ड भी बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें थोड़ा और सेटिंग तो तब हो जाएगी जब यहाँ से जा करके और यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट पे आएंगे और यहाँ से फॉर्म को चूज करके, यहाँ देखिए यहाँ पे फॉर्म ही हमें चूज करना है और यहाँ से इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा और इसका लुक जो है चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से नजर आने लगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं रोल नंबर 4 चूज करता हूँ तो रोल नंबर 4 का पूरा डिटेल आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आ जाएगा। अब इसको सेव करना होगा, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट क्यू ये आ रहा है, इसको रिजल्ट एफ के नाम से, रिजल्ट फॉर्म के नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेरी बनानी है, ठीक है। क्वेरी किस लिए बनानी है, ताकि हम जब कभी भी फॉर्म में रिपोर्ट हमें बनाना है तो उसके लिए क्वेरी बनानी है, ताकि हम जब कभी भी फॉर्म में रहे, तो जैसे फॉर्म में मान लीजिए यहाँ से चूज है 3, तो केवल हमको रिपोर्ट में 3 ही नजर आए, 3 वाला रिकॉर्ड के अलावा दूसरा कोई नजर ना आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रिएट पे जाना पड़ेगा और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से रिपोर्ट पे जाएंगे, रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट विजर्ड से जा सकते हैं। तो विजर्ड से चलते हैं इस बार, ठीक है। तो अभी हमको फिलहाल तो वो क्वेरी बनानी होगी, ठीक है। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, या यहाँ से हम चाहे तो
तमाम वो फील्ड्स लेने होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमने बनाया है क्वेरी रिजल्ट क्यू के नाम से, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और ये तमाम फील्ड्स हमें चाहिए होंगे, तो इसको यहाँ पे ला देता हूँ। और यहाँ क्राइटेरिया में आना पड़ेगा हमको, और हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर हमको देखना है, और यहाँ पे एफ ओ आर एम फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या है हमारे, तो वो हमको देना होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्यू दे देंगे, रिजल्ट की बात है कि यहाँ पर आपको रिजल्ट एफ रखना है, क्योंकि फॉर्म के बेस पे हम देखेंगे ना, तो रिजल्ट एफ रखिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम रिपोर्ट तो बना ही चुके हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी, तो अब दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए ये आ गए, हम इसको हम अभी क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो इसको सेव तो कर ही लिया हमने, फॉर्म क्यू आ रहा है, फॉर्म आर करेंगे, फॉर्म रिपोर्ट, ठीक है। तो फॉर्म आर के नाम से इसको हमने सेव कर लिया। तो रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे रोल नंबर 3 का डिटेल रिपोर्ट में खुल करके आया है। देखिए ये रिपोर्ट है हमारी, और इसमें सिर्फ रोल नंबर 3 का ही डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए फिर हम यहाँ से चूज करते हैं, जैसे ये हमारा फॉर्म है और फॉर्म पे हम आते हैं, ये हमारा फॉर्म है, ये देखिए ये, और यहाँ से मैं चूज करता हूँ लाइक, अब यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो 1 कर दिया। तो ऐसी स्थिति में एक बार रिफ्रेश जब करेंगे, और तो यहाँ पर यहाँ पे 1 करेंगे, तो जैसे ही 1 करेंगे तो यहाँ पर केवल 1 वाले का ही रिपोर्ट डिजाइन होके आएगा आपको, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, ये देखिए मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ इसका, प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए ये प्रीव्यू है इसका, इसका प्रीव्यू मैं दिखा देता हूँ कैसे ये प्रीव्यू आएगा, प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए ये इसका प्रीव्यू, यहाँ पर इस तरीके से ये प्रिंट करेगा रिपोर्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर कलर लाइन से बना सकते हैं आप, लाइन बना सकते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन के लिए, ये देखिए यहाँ पे लाइन पे कलर अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सेलेक्ट किया हमने, तो यहाँ से आप लाइन पे कलर लगाइए, ये जो है ब्लैक कलर लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब इस पे भी आप चाहें तो ब्लैक कलर लगा सकते हैं इस तरीके से, तो सब पे आप लाइन पे इस तरीके से आप ब्लैक कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको सेलेक्ट करा हमने तो यहाँ पे ब्लैक कलर ये प्रोवाइड हो जाएगा, इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर भी ब्लैक कलर प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हर जगह पर आप ब्लैक कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बड़ा आसान है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे आपको करना है। यहाँ पर देखिए ये अगर छोटा लग रहा हो तो आप इसको बड़ा साइज में भी लेके आ सकते हैं, इसे यहाँ से जाके डिजाइन व्यू पे जाइएगा तो ये नीचे आपको तमाम चीजें नजर आ रही हैं। इसको थोड़ा ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा, जब ड्रैग कर देंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर 5 का डिटेल देखना है तो 5 कर दीजिए, तो रोल नंबर 5 वाला तो है ही नहीं, तो 5 वाला का तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद हम 3 वाले का देखेंगे। तो 3 वाले का देखिए पूरा डिटेल आ रहा है, अर्पिता है नाम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।